हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हमने ये लास्ट टाइम एनालिसिस किया था गोल्ड का, ये एरिया मैंने मार्क किया था। यहाँ तक तो मार्केट आई नहीं, जैसा मैंने आपको उस वक्त ही बता दिया था कि बहुत ज़्यादा फ्लो मार्केट का चेंज हो चुका है। एक मिनट, सेंटिमेंट खोलूँ जरा, ठीक है। और मैंने एक और दूसरा आपको बताया था कि मार्केट इसको ब्रेक करती है नीचे की तरफ, तो यहां तक के लिए हम गुड टू गो होंगे, और ऐसा ही हुआ थे। यहां तक मार्केट इस ब्रेक हुआ और मार्केट यहां पर नीचे आई, बाय मैंने आपको यहां पर मना किया था। सारे को करते हैं जरा रिमूव, और इसको बिल्कुल नए तरीके से आज भी सेल में है। आज कोई न्यूज तो नहीं है, देखो मैंने इकोनॉमिक कैलेंडर काफी टाइम से देखा नहीं। सही है, तो हो चुकी है। तीन घंटे बाद न्यूज है, ठीक है। प्रीवियस लो हुआ, सही है। सही है, मतलब एक शेयर मार्केट मार सकती है। यूएसडी जो है वो इनके मुताबिक जो वीक होगा, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमें ऊपर का देखने को मिल सकता है। टेम्पररी हो गए लेकिन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको पता फंडामेंटली जो है एनालाइज करते नहीं है किसी भी चीज को, हम यहाँ टेक्निकली करेंगे, लेकिन जहन में जरूर रखेंगे, हमारे माइंड में होना चाहिए कि आज न्यूज है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊं, तो ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन का मतलब हम उस वक्त लेते हैं, क्या कहते हैं आपका अलग अलग लिक्विडिटी के तौर पर, हमारी जो लिक्विडिटी है कि मार्केट इसको हिट करेगी, ठीक है। लेकिन आई थिंक इतने ही इतने ऊपर तक शायद ना जाए, जा भी सकती है लेकिन शायद ना जाए। अब जा ही हो सकती है कि यहां पे मार्केट ने देखें इस एरिया को लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता तो ये लोअर लो हमारा कंफर्म हो जाएगा, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है अगेन जो बाइंग के अंदर है वो पावर मार्केट में आ सकती है। अब ये फंडामेंटली हो टेक्निकली हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। एक चीज और ये ध्यान में रखिएगा आपने, ये वाली ट्रेंड है, ठीक है। कचरा लगता है ये, इसलिए मैं इतना ज्यादा मार्क करके रखता नहीं हूं। और एक हमारे पास है ये वाली, ठीक है। ये देखें, यहां से हमें रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। लिक्विडेशन मार्केट ऑलरेडी कर चुकी है, रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक ऊपर एरिया मौजूद है, दो जोन जब एक साथ होते हैं दोनों को एक साथ मार्क करते हैं, ये वाला 2592.71, ठीक है। तो मार्केट को मजीद जरा ऊपर आने दें, हो सकता है ना भी आए लेकिन इसको आने दें ऊपर। यहां आएगी मार्केट तो हम आराम से सेल कर सकते हैं,
अदरवाइज वो ये हमारा सेम, अगर ये लो भी मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो ये नीचे जाएगा, कहां तक जाएगा मैं आपको बता देता हूं। इस गैप का मार्केट फिल करेगी, ठीक है, यानी क्रॉस होता है तो इसको यहां तक देखेंगे टेक्निकली। अगर फंडामेंटली कुछ हो जाए मार्केट में मजीद नीचे भी जा सकती है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ये भी हिट नहीं हुई, ये तो है बहुत ज्यादा, जो ये हमने ट्रेंड लाइन इसमें लगाई थी ये हमारी सही गई है, इसमें नहीं ट्रेंड लाइन तो लगाई यहीं थी, यहां से ही एज अ लिक्विडिटी इसको हमने लिया था, ये यहां पर हिट हो चुकी है। ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेल में, इनके ऊपर भी टेम्पररी एक इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसके अंदर मैं जरा आपको बता दूं, इस एरिया के नीचे 1.05322 33, इसके नीचे अगर मार्केट H1 का क्लोज देती है देन वी आर गुड टू गो, 100 पिप्स या 50 पिप्स जो भी आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, वरना सिंपल डेली में जाके हम चेक भी कर सकते हैं। एक मिनट, ये टारगेट होगा मतलब, ठीक है, समझ गया। अभी के लिए ये हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है, 1.06227, यहां मार्केट ने लिक्विडिटी भी काफी जनरेट की हुई है। सेम जीबी यूएसडी, ये एरिया है हमारे पास, ठीक है, स्विंग लो, ये इसका नेक्स्ट टारगेट आएगी यहां पर, फर्स्ट ये वाला, ठीक है, अगेन बता देता हूं, 1.27317, ठीक है, तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।